देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस छोटी दुकानों को सामान बेचने के धंधे में आक्रामक तरीके से उतरी है। जी हाँ, रिलायंस कोलगेट और यूनिलिवर जैसी जिन कंपनियों का सामान बेचेगी, क्या उन्हें इस साझेदारी से नुकसान उठाना पड़ सकता है? आपको बता दें कि कोलगेट पामोलिव इंडिया ने मंगलवार को कहा है कि वह भारत में अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यानी बिक्री प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रही है। इससे पहले कंपनी के बिक्री प्रतिनिधियों ने देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक में आपूर्ति ठप करने की चेतावनी दी थी। इन प्रतिनिधियों का आरोप है कि सामान की कीमतों को लेकर कंपनी उनके साथ भेदभाव कर रही है। समाचार एजेंसी रॉयर्स ने नवंबर में जानकारी दी थी कि कोलगेट पामोलिव, रेकिट, बेटाइजर और यूनिलिवर सरीखी कंपनियों के सेल्स एजेंट यानी बिक्री प्रतिनिधियों को बीते एक साल में करीब 20-25% का घाटा हुआ है। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस घाटे की वजह क्या है। आपको बता दें कि इसकी वजह यह रही है कि कई छोटी किराना दुकानों ने अब इन बिक्री एजेंटों के बजाय मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस से सामान खरीदना शुरू कर दिया है, जो उन्हें कम कीमत पर सामान बेच रही है। रॉयटर्स की जानकारी के बाद खबर आई कि बिक्री एजेंटों ने इन छोटी किराना दुकानों में आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी। एजेंट चाहते हैं कि कंपनी अपना उत्पाद उन्हें भी उसी दाम पर उपलब्ध कराए जिस दाम पर वह रिलायंस जैसे बड़े वितरक को बेच रही है। पिछले सप्ताह वितरकों के एक समूह ने कहा है कि 1 जनवरी से वे पश्चिमी महाराष्ट्र में कोलगेट के कुछ सामानों की आपूर्ति करना बंद कर देंगे। और आइए अब जानते हैं कि कोलगेट का इन सब पर क्या कहना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को दिए अपने बयान में कोलगेट पामोलिव ने कहा है कि कंपनी अपने वितरकों को पेश आ रही चुनौतियों को हल करने के लिए उनके साथ सीधे बातचीत कर रही है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि वह इस संबंध में क्या कदम उठा रही है। बयान में ये भी कहा गया कि कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में उसके उत्पादों की आपूर्ति निर्बाध जारी रहे। आपको बता दें कि रॉयर्स से बातचीत में वितरकों ने यह कहा है कि अंबानी की कंपनी रिलायंस छोटे दुकानदारों को खूब डिस्काउंट दे रही है, जिसकी वजह से अब वे डिजिटल तरीके से जियोमार्ट पार्टनर्स ऐप से सामान खरीद रहे हैं। इससे उन बिक्री एजेंटों के सामने संकट खड़ा होने की आशंका पैदा हो गई है जो बीते कई दशकों से दुकान दुकान जाकर ऑर्डर लेते आ रहे हैं। देश भर में इनकी संख्या करीब 4.5 लाख है। और आइए अब जानते हैं कीमतों में कितना अंतर है। आपको बता दें कि नवंबर में जियोमार्ट पार्टनर ऐप पर उत्पादों की कीमतों का आकलन करने पर पता चलता है कि मुंबई में कोई दुकानदार ऐप पर कोलगेट मैक्स फ्रेश मंजन के 2 ट्यूब वाला पैक थोक में करीब 115 रुपए की कीमत पर खरीद सकता था। वहीं कोलगेट के परंपरागत बिक्री एजेंट के लिए इसी पैक की कीमत 154 रुपए यानी करीब 1/3 ज्यादा होती है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह एक बयान में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन यानी SICPDF ने कहा कि इसके सदस्य 1 जनवरी से महाराष्ट्र में मैक्स फ्रेश उत्पाद की आपूर्ति करना बंद कर देंगे और बाद में अन्य उत्पादों की आपूर्ति भी रोक दी जाएगी। समूह का अनुमान है कि भारत में होने वाली सामानों की कुल बिक्री का 40% महाराष्ट्र में होता है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि वही यूनिलीवर कंपनी की भारतीय ब्रांच हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बयान में कहा है कि उनके प्रतिनिधियों ने AICPDF की चिंताएं समझने के लिए उनसे मुलाकात की है और कंपनी द्विपक्षीय तरीके से इनका समाधान करेगी। कंपनी ने कहा है कि वितरक उनके अहम भागीदार हैं और हमेशा रहेंगे। तो आपका इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है और इस विवाद पर आपको क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।